नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद बड़े जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन सरकार की यह सोच गरीबों के घर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। ताजा मामला बस्ती की नगर पंचायत भबनान का है, जहां गरीबों के लिए आसरा योजना के तहत बनी कॉलोनी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, बरसातों में तो ये कमरे किसी वाटरफॉल से कम नहीं लगते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि गंदगी की वजह से बीमारी का डर बना रहता है, और जब उच्च अधिकारियों से इस समस्या की शिकायत की गई तो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर इस मामले में ईओ ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आवास देने तक सीमित है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल, जब लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने शिकायत की जाँच कराकर इस समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। समस्या यही है कि बारिश हो रहा है तो पानी पूरा कमरे में भर जा रहा है, हम लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग तख्ते पे बैठ के हम लोग दिन गुजारते हैं। हम लोग शिकायत किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, और चेयरमैन सबसे शिकायत किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी जांच करवाई जा रही है। अगर इस तरह की बात पाई जाती है कि वहाँ पे जल जमाव हो रहा है या पानी की लोगों को दिक्कत आ रही है, तो इसका नगर पंचायत भबनान के माध्यम से शीघ्र ही निस्तारण करवाया जाए। जैसा मैंने कहा कि अगर ये बात सत्य पाई जाती है और मोटर वहाँ काफी समय से क्रियाशील नहीं है तो उसका भी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ ट्रस्ट की बैठक हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी को शिलान्यास कार्यक्रम में लाने के लिए विचार विमर्श किया गया। ट्रस्ट के संतों को अब पीएम के आगमन को लेकर पीएमओ कार्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। संतों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। संतों की बैठक में दो तारीखों को लेकर चर्चा हुई। 3 और 5 अगस्त की डेट तय की गई है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि पीएम के आगमन के साथ दोनों से ही एक डेट पर मुहर लग जाएगी। पूरा देश एक मत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आके शुभारंभ करें, और शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी को 2 तिथियां भेजी गई है, 3 और 5। उनको जो सुविधा होगी उस तिथि में वो देंगे, हम लोग उसमें तैयार है कार्यक्रम के। मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं, मॉडल पूर्व से है, थोड़ी सी उनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। मोटा मोटी समझिए ना, 148 था वो 161 हो जाएगा। इसलिए कि पीएमओ इसमें सामान्य स्थिति में है नहीं, देश में युद्ध संबद्ध है, कोरोना से देश पस्त है, उस स्थिति में वो समय अपने हिसाब से देंगे और उसी हिसाब से कार्यक्रम होगा। कोरोना महामारी से आर्थिक और मानसिक दोनों ही रूप से लोगों को परेशान कर दिया है। अपने घरों को वापस लौटे प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल है। महोबा में गरीबों को भोजन इकट्ठा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। जन साहस संस्था के कार्यकर्ता बेहाल मजदूरों को खाना देकर उनकी मदद कर रहे हैं। सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को साबुत अनाज भी मुहैया कराया। इस कार्यक्रम में जिले के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। ये हमारी संस्था है जनसाहस सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी है, एक जो देवास से संचालित है। तो हम लोग माइग्रेट, एक प्रोग्राम है माइग्रेशन, तो उस पर काम करते हैं। उन्हीं में फिर गांव स्तर पर भी हम लोग जब जाते हैं काम करने के लिए, तो उनमें जो अति कमज़ोर वर्ग के जो है हमारे मजदूर भाई, उनको हम संस्था की तरफ से राशन सपोर्ट करते हैं। कुछ इसमें अक्टवा है, बेलदारन बमहोरी है, बमहोरी कला है, नौसारा है, इमली खेड़ा है, बमनेथा है, बगरौन है, सालट है, सूपा है, और काफी ऐसे आपास के काफी गांव हैं। रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य गोविंद देव गिरी महाराज ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट 2 तिथियों को लेकर विचार कर रहा है, जब राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की जाएगी। ट्रस्ट के सदस्य के गोविंद देव गिरी को माने तो जुलाई के अंतिम और अगस्त के पहले सप्ताह में मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में 12 सदस्य मौजूद रहे, जिनमें से 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। 29 या 5। अच्छा, मंदिर का प्रारूप जी, धन संकलन की व्यवस्था। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली में शराब के नशे में रेलवे गार्ड ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग सड़क के किनारे मिली, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद डायल 112 ने नाबालिग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल में नाबालिग ने पुलिस को पूरी घटना बताई। तहरीर के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 18 जुलाई 2020 को थाना मौदा क्षेत्र के कस्बा मौदा के एक निवासी द्वारा थाने पर यह कंप्लेन दर्ज कराई गई है कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिस संबंध में तत्काल ही FIR पंजीकृत
कर जो पीड़िता है उनको आवश्यक मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई है तथा जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। झांसी के मोट थाना क्षेत्र में कानपुर पुलिस की गाड़ी पलटने से उसमें सवार दरोगा की मौत हो गई, जबकि 4 पुलिस कर्मी और अन्य 2 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिले के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इलाज के दौरान एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई। इसके अलावा बाकी पुलिस कर्मियों का इलाज अभी भी जारी है। ये कानपुर से एक दबिश टीम जो झांसी आई थी और उसके बाद वो लोग लौट रहे थे, उनकी एक गाड़ी जो इनोवा थी उसका टायर अचानक बताते हैं बस्ट हो गया, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो गई और पलट गई। उसमें सवार 4 पुलिसकर्मी और 2 अन्य लोग थे, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और जिनको प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी लाया गया था। दौरान उपचार उसमें एक सब इंस्पेक्टर हैं श्री मनोज, जिनकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। शेष 2 लोग जो हैं उनका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ के सराय थाना क्षेत्र में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के इस हमले में एसओ एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद कई थानों की फोर्स घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस फोर्स ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस कई जगह दबिश डाल रही है और 15 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना रानी की सराय में आवक ग्राम में दिनांक 17 को एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 323, 504 एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 6 लोगों को नामित किया गया था। उन 6 में से 4 अभियुक्तों को अंतर्गत 151 सीआरपीसी कार्रवाई की गई थी, चालान किया गया था। 151 की कार्रवाई के बाद जब वो छूट के गाँव पहुँचे तो उन दोनों पक्षों में दोबारा झगड़ा हुआ। जो वादी पक्ष था प्रथम मुकदमे का, उसके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया। जब ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो थाना प्रभारी रानी की सराय में फोर्स को वहाँ पहुँचे। रात के 8 बजे का समय था, उसी पथराव में उनके द्वारा पुलिस में भी पथराव किया गया, जिस पर थाना प्रभारी और एक एसआई पूर्णमासी ये घायल हुए हैं। सिर पे चोट है, दोनों ही एडमिट हैं। इसके बाद पुलिस द्वारा जो है इसमें 14 नामित अभियुक्तों और 10-12 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 48, 49, 307, 332, 353, 7CLA और महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अलीगढ़ के अतरौली थाना इलाके में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। खेत में बने कुएं के पास युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को जांच के लिए भेजते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक के लापता होने की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवा दी गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वीरेश पुत्र मसीलाल निवासी का खेतल को गाँव के कुछ लोग बुला के अपने टूर पर ले गए और वहाँ से 2 दिन से गायब था। कल उनके घर वालों ने सुबह ढूंढा, शाम को ढूंढा, पूरे दिन ढूंढते रहे, लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। आज सुबह ढूंढते ढूंढते रोड के किनारे गौशाला से आगे एक कुआं में उसकी बॉडी पानी में तैरती हुई मिली। कल दिनांक 17 जुलाई को एक सूचना मिली थी और इनकी वादी की तहरीर पर 364 का मुकदमा लिखा गया था। ककेतल गाँव के वीरेश के अपहरण का इन्होंने जाहिर किया था और 3 नामजद किए थे, अवधेश, दैनी और बनवारी। तो हमने बनवारी को गिरफ्तार किया और आज उसका वीरेश का शव वहीं पास के कुएं से बरामद कर लिया है। तो कुल मिलाकर इसमें बनवारी की गिरफ्तारी हो गई है। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में पुराने विवाद की वजह से एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला करते हुए घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। घायल युवक को परिजनों ने लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में घायल बेटे को देखकर मां उपचार के लिए चीख पुकार करती नजर आई। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। ये मेरा भतीजा है बाबर, इसकी जो है वो लड़ाई हुई, हमें जो है वो सूचना मिली और पीछे से जो है वो वहाँ बताया कि उसके जो है वो चक्कू मारे हैं। अब यहाँ पे हम मेडिकल ले आए, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, हालत जो है वो थोड़ी सीरियस है, जाँच वगैरह चल रहा है। कोई अदनान लड़का है, उसके साथ एक और कोई लड़का है, उसने मारे हैं। किससे? अदनान से। किस बात पर झगड़ा हुआ था? कितने लोग थे तकरीबन? दोनों। फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बदमाश पर कई थानों में लूट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश का शराब तस्करी में भी हाथ है। अमन चौहान उर्फ गोल्डी, ये बहुत शातिर बदमाश है और ये
कुर्रा थाना जनपद मैनपुरी से 25,000 रुपये का इनामी भी है। ये वहाँ से फायरिंग करते हुए निकल गया। इसके बाद निकल जाने के बाद रात से ही एसओजी प्रभारी उनकी टीम, इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद उनकी टीम, और इसके अलावा जनपद से कुछ और टीमें, लगभग कुल 10 टीमें कॉम्बिंग के लिए लगाई गई। लगातार कॉम्बिंग चलती रही। अब 11:30 बजे के आसपास, अभी कुछ देर के पहले, यहाँ पर झाड़ियों में कॉम्बिंग के दौरान छिपा हुआ वो दिखा। देखते उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे कि उसके पैरों में गोली लगी और उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है।